सो हे गाइस, विराग हियर। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं। उसके पीछे के देखिए कई वजह है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा मेन चैनल था वी नेशन 111, उसमें जो एक यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है उसको बाहर कर दिया गया था, तो हमें वो मेनटेन करना था। हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर बेस है वो मेनटेन करके रखना था, तो वहाँ पर टाइम लग गया। दूसरी बात, कोर्ट में प्रैक्टिस चलती है ना, तो इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। और मौसम का तो आप जानते ही हैं कि मौसम इस समय यूपी में कैसा है। और इस समय अगर हम बात करें तो अभी टाइम हो रहा तकरीबन 12 और टेम्परेचर काफ़ी भयानक है। तो आप सब जानते हैं कि गोप्रो में हीटिंग इश्यूज़ भी हैं, तो इसलिए हम बचते हैं धूप में निकलने से। लेकिन इंस्टाग्राम पर रील्स आपको रेगुलर मिल रही हैं। जो हमने प्रॉमिस किया था उसको हम निभा रहे हैं। भले ही लॉन्ग वीडियोज़ हम अपलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन शॉर्ट और जो रील्स है उनको हम प्रॉपर दे रहे हैं। तो एक वीडियो पड़ी थी मैंने गोप्रो में देखी, जिसको मैं अपलोड करना भूल गया था। तो इस मोटो ब्लॉग में आइए एंजॉय करते हैं कौशाम्बी से नवाबगंज तक का सफ़र, और आपको दिखाते हैं रास्ते में हमें क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। और मौसम के बारे में आप अनुमान लगा लेंगे कि इस पुरानी वीडियो में भी आपको मौसम कितना भयानक है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भैया एक बार फिर से निकल लिए गुरु नवाबगंज के लिए, लेकिन इस बार पिछले बार वाली गलती नहीं करेंगे। पहले जा रहे हैं इंजन ऑयल चेक कर लेने, चेन को ल्यूब करवा लेने, इसके अलावा टायर प्रेशर चेक करवा लेंगे और तभी निकलेंगे। अब हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से हमें गर्मी में रेंगना पड़े, जैसे कि पिछली बार हम लोग तकरीबन 6 किलोमीटर तक पैदल गए थे, और अब ऐसा नहीं होगा। अभी पहले हम चेक करवा लेंगे इंजन ऑयल लेवल, और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, हालांकि चेक हमने करवाई थी लेकिन इंश्योर कर लेंगे डबल चेक हो जाएगा, क्योंकि हाईवे है भाई, वहाँ पे तकरीबन 30-40 किलोमीटर बहुत मुश्किल से फिर मिलेंगे मैकेनिक। एकदम खाली सुनसान इलाका, और हम रिस्क नहीं लेंगे इस बार चाहे जो हो जाए। ग्लव्स अभी हम ले लेंगे, इस बार गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है भाई, बिना ग्लव्स नहीं चलेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी अभी। और अभी बजे हैं तकरीबन 1, बार एंड मिरर जा चुका है, अब बाद में ऑर्डर करेंगे, अभी नहीं करेंगे ऑर्डर। बार एंड मिरर के बिना हालांकि सूना सूना लग रहा है। सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो ख़त्म ही है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, फिर भी उसे इन्हेंस करने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। ले हो गया साले टेम्पो वाले खड़े कर। उतरो रमेश भैया, रमेश भैया कहाँ है? तो भैया गाड़ी एक लंबा खर्चा मांग रही है, पीछे का शॉकर, इसके अलावा चेन पॉकेट, इंजन ऑयल। पता नहीं गाड़ी इंजन ऑयल इतना क्यों पी रही है, अभी तकरीबन 1 महीना पहले सर्विस हुई है, चली भी नहीं है। प्रॉब्लम तो है सीरियस, तकरीबन 3-4 हज़ार का खर्चा है अभी गाड़ी में, ऐसा बताया गया है ऑन एस्टिमेट। देखते हैं, करवा ही लेंगे यार, अभी तो चलाना है नहीं ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि लॉन्ग टूर के नाम पे भी कुछ नहीं होना है पूरी गर्मी, फिर भी करवा लेते हैं काम, क्योंकि पेंडिंग रखना भी सही नहीं है यार। एक बार भुगत चुके हैं, दोबारा हिम्मत नहीं है भुगतने की। बस फ्यूल डलवा लें एक बार, हो गया, उसके बाद ग्लव्स पहन लें, फिर नॉनस्टॉप गाड़ी नवाबगंज की सेवा में रहेगी। नवाबगंज से पहले गाड़ी रुकेगी नहीं। कोर्ट बंद है, कन्फर्म हो गया, क्योंकि जो भीड़ भाड़ है वो है नहीं, जिसका सीधा मतलब ये है कि कोर्ट बंद है। लेकिन शॉकर की प्रॉब्लम तो पुरानी है, एक्सीडेंट के बाद से बर्बादी गाड़ी की शुरू हो गई। एक्सीडेंट के पहले तक कुछ सही भी था मामला, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से सब नरक होना शुरू हो गया गाड़ी में। खैर जाने दीजिए, काम चल रहा है, भगवान करे चलता रहे इसी तरह। यहाँ हर दो दो कदम में स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर में पता चलता है कि गाड़ी की शॉकर की परफॉर्मेंस ख़त्म है, क्योंकि गाड़ी एकदम उछाल दे रही है। गाड़ी एकदम उछाल रही है, यानी शॉकर की प्रॉब्लम तो है गाड़ी में। फ्रंट शॉकर रिपेयर हो चुका है, सेकंड जो रियर शॉकर हैं दोनों ट्विन शॉकर, शॉक एब्जॉर्बर्स, इनमें प्रॉब्लम है। तो भाई फ्यूल ले लेते हैं भाई, नहीं आगे मिलेगा नहीं अभी ढंग का फ्यूल। देखो गुरु, ऐसा है जिसको फ्री में मेकअप करवाना है वो भरवारी रोड आ जाए, फ्री में हो रहा है मेकअप। बस एक कार आपके सामने होनी चाहिए जो कि उचित स्पीड में हो,
उसके बाद आप बेफिक्र रहिए, आप एकदम रंग चुंग के बाहर आएंगे। और इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतनी मतलब बेतहाशा गर्मी में हेलमेट का वाइज़र एकदम बंद है, हिम्मत नहीं ना कि खोलने, क्योंकि आगे ट्रक चल रही है और हाई स्पीड कार आती हैं, धूल उड़ा के चली जाती हैं। और हम एकदम आराम से चल रहे हैं, मतलब कुल मिला के अभी पुलिया उलिया का काम हुआ है, वही चक्कर में जो धूल उल का प्रोग्राम ही शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिया बना तो दी जाती है, उसके बाद रोड से मिट्टी हटाना उचित नहीं समझा जाता। उनका कहना है कि ये समाज का काम है, समाज सेवा है, समाज करेगा, और ये सामाजिक जो हमारे लोग हैं उनका कर्तव्य है कि वही धूल उड़ाएंगे हटाएंगे। हम कहें हटाएं, हम तो ला के रख दिए मेहनत से, दोबारा मेहनत करें ऐसे कैसे। पहले आओ पहले पाओ योजना, बड़ी गाड़ी के पीछे रहोगे तो रंग चुंग जाओगे। अभी हमने ग्लव्स पहन लिया है तो धूप से थोड़ी तो राहत मिली, वरना हाथ एकदम जल रहा था भाई, भयंकर जल रहा था। ये देखिए पुलिया निर्माण कार्य योजना के अंतर्गत होता हुआ प्रोग्राम। तो धूल उड़ाओ योजना का लाभ उठाते हुए कहे चूके भाई, चूकना तो हम कसम वाले सीखे ही नहीं, तो लो धूल उड़ाओ योजना। और हम चाहते कोई ट्रेन निकले ताकि अच्छे से वीडियो फुटेज मिल जाए यार अपलोड करने के लिए, क्योंकि जब हम आते हैं ट्रेन नहीं आती है। अभी भरी दोपहर ही हम ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ आदमी नहीं आ रहा, ट्रेन कहाँ से आएगा। ये देखिए प्रधानमंत्री धूल उड़ाओ योजना। हेलमेट का वाइज़र खोल दे तो फ्री में फाउंडेशन मिल रहा है, उड़ रहा है हवा में, लग जाए पूरा, सब कुछ फ्री में बट रहा है। हमें हो गया है रोड डाइवर्जन, यानी दोनों लेन अब एक में हो गई हैं, इतनी पतली लेन में दोनों का ट्रैफिक है। और यहाँ पे भी पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, यानी कि जब उस लेन में कार्य कंप्लीट होगा तो इस लेन को बाधित किया जाएगा। और ये महर्षि कॉलेज के पहले है, ये पूरा समूचा कार्यक्रम जो है महर्षि कॉलेज के पहले ही आयोजित किया जा रहा है। तो अगर इस तरफ आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रूट डाइवर्ट हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। रूट डाइवर्जन यहीं तक था, महर्षि कॉलेज तक, महर्षि कॉलेज के बाद रूट डाइवर्जन ख़त्म। राम वनगमन मार्ग है और उसके वजह से डाइवर्जन हुआ है, यानी रोड्स बन रही हैं नई, और यह है राम वनगमन मार्ग और ये बन रहा है एक ओवरब्रिज। हालांकि ये ओवरब्रिज कहां से कहां तक जाएगा इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये सर रेलवे लाइन है शायद, आई गेस नॉट कंफर्म। बाकी काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये देखिए सिंगल लेन में यही खतरा रहता है कि कोई भी कहीं से भी ओवरटेक करके घुस सकता है, बन तो ये ओवरब्रिज ही रहा है गुरु, बन ये ओवरब्रिज ही रहा है और ये कुछ नहीं है। चलिए अब एक डाइवर्जन यहाँ से भी, यानी रोड काफ़ी चौड़ी हो जाएगी यार, वो पूरा इधर चौड़ीकरण के लिए ही है राम वनगमन मार्ग, उधर भी चौड़ा हो रहा है इधर भी चौड़ा हो रहा है। पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, बवंडर काफ़ी बड़ा है सामने, एकदम बवंडर उठ रहा है मिट्टी का, बहुत बड़ा बवंडर है सामने, कैमरे में नहीं आएगा, उठ रहा है उधर तरफ। और ये हमारी ड्रीम बाइक जा रही है RS 200 पल्सर, क्या मज़ा आता होगा चलाने में यार ये बाइक को, वो कितना बड़ा बवंडर है, बहुत बड़ा बवंडर है भाई, बहुत बड़ा बवंडर। थारा भाई जोगिंदर आया है बवंडर लेके, थारा भाई जोगिंदर खेत में गेहूं काट रहा है बवंडर लेके। भाई बहुत गर्मी है हाईवे में यार, एकदम से तो जल रहा है पूरा हाथ पैर, गन्ना का जूस पिए तो चले। इस तरह की सीट लगवा ली का, इस तरह की सीट लगवा ली का, आराम ना रहे बैठे में, प्यास नहीं लगेगा तुमको। हाँ हम ये गाड़ी ले लिया जाए, हम तुम यहाँ हम बैठी हुआ, तुम यहाँ बुलबुल छोटी प्रियांशु आगे बैठ जाएं, नवाबगंज चलिए आराम से। नवीन जूस भंडार गन्ना मशीन, तो फिर तुम पैदल चलो मिल जाओ रास्ते में। हाँ हाँ ज़्यादा नहीं, बस 30 किलोमीटर इतने हैं बस, ज़्यादा नहीं है।
अरे हाईवे, अरे नेशनल हाईवे। भाई साहब अभी महीना शुरू हुआ है, अप्रैल ही मान के चलिए मध्य है, लेकिन गर्मी एक नंबर की है। और यहाँ पे बढ़िया लाल कलर के रखे हुए हैं स्टॉप करने के लिए। क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा है इन्होंने रखा हुआ। आगे पता चल जाए शायद कुछ बन रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन भाई बहुत गर्मी है। मैंने समझ लीजिए कि जो एक मेन वाइज़र है हेलमेट का वो तो बंद ही कर रखा है, इसके अलावा जो एक और वाइज़र दिया जाता है हेलमेट में सन आई प्रोटेक्शन के लिए, वो भी मैंने ओपन किया हुआ है, तब जाकर के थोड़ी राहत है। वरना गर्म हवा तो हालत ख़राब करके बैठी है। और ग्लव्स पहनना मेरी मजबूरी ही है, क्योंकि इसको उतार देंगे ना तो एकदम बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। अच्छा, प्लांटेशन का वर्क शुरू है, पेड़ों की छटनी हो रही है। तो फाइनली भाई साहब हम नवाबगंज पहुंच चुके हैं। अच्छा, एग्जॉर के हेलमेट के बारे में एक बात बताना चाहेंगे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेलमेट बहुत अच्छी है, कोई जोड़ नहीं है। लेकिन भाई जब ट्रैफिक में इसको पहन के गर्मी में रुकना पड़ता है ना, मतलब भाई एकदम हालत ख़राब कर देती है ये हेलमेट। क्या भैया दोपहिया के निकलने का बैरिकेड हटा दिए क्या, लगा दिए? नहीं नहीं है जगह, दो पहिया टोल फ्री है। दो पहिया में चाहे आप निंजा H2R लेके आ जाओ, एक रुपया नहीं लगने वाला। दोपहर टाइम एक बात तो अच्छी है कि ट्रैफिक एकदम सन्नाटा रहता है ट्रैफिक में। शाम टाइम, सुबह टाइम 11-10 तक ट्रैफिक एकदम इंटेंस होता है। और ये पुरानी थार देखने को मिल गई, बहुत दिन बाद दर्शन हुए पुरानी थार के। देख लीजिए एकदम सन्नाटा लग रहा है रोड पे, ऐसा लग रहा है कि सब एकदम दुबके हैं कहीं पे। तो ये चीज़ तो है बेनिफिट की, गर्मी में ट्रैवल करने का एक बेनिफिट तो है कि रास्ते सुनसान मिलते हैं एकदम। आप पैक होकर के आइए, आपको फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है गर्मी में। हाथ दो, पीछे फॉर्च्यूनर लगी है, सामने बुलेट लगी है और हमको राइट मुड़ना है। यही रास्ता है? हाँ, अच्छा। तो कल किसी बड़े फंक्शन की तैयारी है यहाँ पे, ये ख़त्म। क्योंकि भाई धूप में हालत हो गई है पस्त, गाड़ी चलाते चलाते अब ताकत नहीं बची है, एकदम पीला पीला दिख रहा है सब कुछ धूप में, इतना तेज़ धूप है। और रेलवे क्रॉसिंग खुली है, बहुत सही, आज किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी है। इतना सन्नाटा तो हम पहली बार, गिरी तो नहीं? गिर जाना तो बताना, गिर जाना तो बताना, गिरी तो नहीं? ओके। कॉलेज खुला है क्या? क्यों? पहचानो जगह का कहाँ है? हाँ, यही जगह है। ठीक है, चलो हम आ रहे हैं।